नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग ऑफ हाइब्रिड सिम एडाप्टर की। तो पता नहीं ये हाइब्रिड सिम स्लॉट किसने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। साला पहले तो हाइब्रिड सिम स्लॉट बना दिया, उसके बाद हाइब्रिड सिम एडाप्टर बना दिया। बहुत बढ़िया, मतलब लोगों के पैसे खर्चे कराते रहो बस। पर चलिए वीडियो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये हमने मंगाया है अमेजोन से, इसकी प्राइस है 290 रुपये। 290 रुपये में हमें मिल चुका है। आप देख सकते हैं पैकेट कहीं से भी खुला नहीं है, बिल्कुल सील्ड है। और ये हमें तीन चार दिन के अंदर मिल गया है। मैंने अपना एड्रेस वो कर दिया है, आप देख सकते हैं ये उसका एड्रेस है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो देखिए हम इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं, जल्दी से काट के खोल देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, कैसा प्रोडक्ट है, टूटा हुआ तो नहीं है, क्या ये हमारे फोन में वर्क करेगा या नहीं। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग बहुत सिंपल सी है, कुछ खास नहीं है इसमें। एक प्रोडक्ट निकलेगा छोटा सा, ये देखिए ये एक पैकेट है छोटा सा। इसे भी काट देते हैं जल्दी से। और इसके अंदर निकल चुका है हमारा हाइब्रिड सिम एडाप्टर। तो जैसे ही आप इसको फोटो में देखते हैं या कहीं पे देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, बट है नहीं ये इतना बड़ा, ये सिर्फ बहुत छोटा सा है। देखिए आप, हमारी एक मतलब हमारी जो फिंगर होती है उससे भी छोटा है ये। तो जल्दी से अब इसे भी काट के बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये इसमें क्या है, कैसा है, क्या ये टूटा हुआ तो नहीं है कहीं से, जल्दी चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से इसको काट के निकाल लेते हैं बाहर। अब ये निकलने वाला है बाहर बस। जल्दी से इसको बाहर निकल के दिखाते हैं आपको कैसा है, कहीं ये टूटा हुआ तो नहीं है कहीं से। तो दिखने में तो एकदम सही लग रहा है दोस्तों, और ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम फ़ोन में लगाते हैं, फ़ोन में लगा के आपको दिखाएंगे ये चलता है या नहीं चलता। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बेटर प्रोडक्ट है। और चलिए चलते हैं फ़ोन में लगा के देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको बहुत मुश्किल से अपने फ़ोन में लगा चुका है, बहुत टाइम लगा लगाने में। टाइम मतलब 5-7 मिनट लगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, नैनो सिम पता है आपको, इधर से निकल जाता है उधर से निकल जाता है। तो फाइनली ये लग चुका है और दो सिम ऊपर आप देख पा रहे हैं आ चुके हैं, और साथ साथ हमारा मेमोरी कार्ड भी चल गया है इसके अंदर। ये देखिए दो सिम आ चुके हैं, एक जियो एक टाटा डोकोमो। और आपको दिखा देते हैं अपना मेमोरी कार्ड, आप नीचे देख सकते हैं मेमोरी कार्ड भी आ गया है, एसडी कार्ड हमारा। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, देखिए आप पीछे ये आराम से लग गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस पर लगा के इसको बस ऐसे करके टेप लगा देनी है और यहाँ पे कवर लगा लेना है अपना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो देखिए आराम से लग गया है, थोड़ा सा ये मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा बाहर इसको रह गया है, बट ठीक है चलता है इतना। कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ खोना पड़ता है, तो कवर में भी कुछ ऐसा ही लगता है। और ये बहुत आसानी से फिट हो गया है, और आप देख ही पा रहे हैं ऊपर अपने आराम से दो सिम आ रहे हैं। बस जब आप स्टार्टिंग में, तो आप देख पा रहे हैं ऐसा ये लगेगा, कवर के ऊपर थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।